16 दिसंबर को क्या देखा था? जी बस गोलियों की आवाजें और बम ब्लास्ट। बहुत घबराया हुआ था हम। अपने टीचर के साथ सीढ़ियों के नीचे छुप गए थे और फिर आर्मी वालों ने हमें सिक्योर कर लिया, रेस्क्यू किया, फिर हमें दीवार तोड़ के दूसरी तरफ ले गए। हम जब जा रहे थे तो आर्मी वालों ने बच्चों को उठाया हुआ था और ले जा रहे थे एम्बुलेंस में बिठा। अच्छा, तो अभी क्या कहोगे सब लोगों से? कि हम फिर से पढ़ने आएंगे और हम इन लोगों के से बदला लेंगे, अपने भाइयों का बदला लेंगे जो शहीद हुए। ये फुटबॉल भी स्कूल में ही था? जी मेरा फुटबॉल स्कूल में ही था। हमारी ब्रेक होने से थोड़ी देर पहले हम लाइब्रेरी में थे। हम लाइब्रेरी में थे तभी उन्होंने फायरिंग की आवाजें आई हैं और बहुत से बच्चे मतलब जख्मी आए हैं। हम लोग को जितने हो सके बच्चे अपने साथ लाइब्रेरी में अपने दोस्तों को अंदर कर लिया और हम लोगों ने टेबल वगैरह रख के दरवाजा सील कर दिया। उन्होंने बहुत फायरिंग की थी टेबल्स पे भी, वो सारे अंदर देखे। जब उन्हें कोई भी, हम लोग जमीन पे लेटे हुए थे, जब उन्हें कोई भी नजर नहीं आया वो चले गए। हमें जब देखा कि आर्मी ने वो जगह क्लियर कर लिया, पीछे से आर्मी वालों ने गए थे विंडोज तोड़ के हमें वहाँ से लेके गए थे। तब बहुत से मतलब हम लोगों ने अपने हमारे बहुत से दोस्त बीच में जख्मी हुए थे। हम लोग बीच दीवार तोड़ के वहाँ से निकले थे और जो हमारी बहुत सी टीचर्स भी जख्मी हुई हैं। अच्छा। और हम लोग ये जल्दी से जल्द यहाँ पर आएंगे वापस पढ़ने, इनसे अपना बदला ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों से बदला लेगा जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इस तरह से जुल्म करते हैं। उनके लिए बहुत सारे लोग आपके साथ मिल के मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, ये सुबह आ भी नहीं रहा तो मैंने इन्होंने अपने सर से फोन लिए और सर ने मुझे कहा आप काइंडली लेडीज ना आए प्लीज आप जेंट्स को भेजें। हमारे स्कूल पे हमला हो गया और अभी हमें नहीं पता कि कितनी तादाद है, लेकिन मेरा बेटा आप यकीन करें हाल के साथ लाइब्रेरी में था और वो छोटा बेटा जो है वो एक घंटा सीढ़ियों के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। और आप यकीन करें मेरा बड़ा बेटा दोबारा फ़ोन करके कहते हैं प्लीज़ मामा आप और बाबा ना आए, आप में से किसी को गोली ना लग जाए। मेरा बेटा कहता है हमारी प्रिंसिपल को जलाया गया जो बेहोश हो गई थी और जो उनके बेटे के मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उन्हें लेके गए हैं बाहर। जब वो होश में आई हैं वो वापस आई हैं हॉल में। उन्होंने 30 बच्चों को रेस्क्यू किया वापस। जब दूसरी दफ़ा आई उन्होंने पकड़े और बच्चों को कहते हैं देखो ये तुम लोगों को बचाने आई हैं, अब इनका हाल देखो। उनके पेट्रोल डाल के जला दिया था उन्होंने। हमारी प्रिंसिपल तायरा काजी। मेरा ये छोटा बेटा तो कहते हैं मामा मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब एक फ़ौजी अंकल आए मुझे उठाने के लिए, तो मैंने तो कहा शायद अब मेरी बारी है मरने की। मुझे नहीं पता था कि वो फ़ौजी अंकल हैं कि वो दहशतगर्द हैं। आप यकीन करें इनसे ज़्यादा मैं सहमी हूँ। मेरा बीपी हाई है, मैं मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे खौफ आता है अपने बच्चों को दोबारा इधर भेजने में। लेकिन मेरे बेटे कहते हैं इनके दादा अबू ने हमें मैसेज किया है कि आप पेशावर को छोड़ दें, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ क्या छोड़ूँ। का 4 पीरियड था और हमारा उर्दू का पीरियड था। हम लोग बैठे थे और हमें अचानक फायरिंग की आवाज़ आने लगी तो सब बच्चे उठ के दरवाज़ा खोलकर भागने लगे, तो मैम आ गई और मैम ने कहा कि वापस क्लास में जाओ, ये ड्रिल हो रही है। उधर वो जिस तरह पहले डॉक्टर आए थे अभी भी वो डॉक्टर आए और ड्रिल हो रही है। थोड़ी देर बाद ही हमारे साथ 5th ग्रेड की क्लास थी और उसके पीछे वॉशरूम के साथ जगह थी, वहाँ से जैसे ही उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट किए तो वहाँ से पाक फौज गई है, तो उन्होंने देखा है तो उधर से फिर 2 फौज के अंकल भागते हुए आए, तो सब बच्चे डर गए ना, तो उन्होंने समझा कि इधर कोई आया हुआ। तो थोड़ी देर बाद 5th ग्रेड की क्लासों के जो विंडोज थी उनके शीशे जो थे वो उन लोगों ने फायरिंग से तोड़ दिए थे, तो फिर वो 5th ग्रेड की क्लास बॉयज़ को हमारी क्लास में ले आए थे और गर्ल्स को उनकी क्लास में। और थोड़ी देर बाद पेरेंट्स आए और अपने अपने बच्चों को ले जाने लगे तो सब बच्चे रोने पड़ गए। मेरी बहुत फ्रेंड्स भी थी, मैं भी थी बीच में, हम सब रो रहे थे, तो मैम हमें हौसला दे रही थी। आप वालदा हैं? आप वैसे ही आई हैं यहाँ पे? पेशावर की रहने वाली हैं? जी पेशावर की रहने वाली। मुझे बहुत दुख हुआ। आपको बहुत दुख हुआ? सारी औरतों को, सब लोगों को बहुत दुख हुआ है, बहुत ज्यादा। इस पे तो आसमान जमीन हो रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत ज्यादा। मुझे अंदाजा है।
लेकिन हम जैसी लुगमाओं की मजलूम है, बेगुनाह है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह पाक से मदद मांग सकते हैं। तो उसकी मदद के आगे तो सब चीजें पूछी है ना, इंशाल्लाह उसकी मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह दिल ऐसा ही काम तो जानवरों पर भी रहम करते हैं, तर्स खाते। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। तो ये जो है एक कैफियत जो कि इस वक्त हर इंसान की है और हर औरत की है, जो कि फील कर सकती है कि बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ। दर्जात बुलंद कर दिए, लेकिन वालिदैन को अल्लाह पाक इसके वालिदैन को सब्र दे दे। आमीन। हमने बस हम प्रिंसिपल ने बचाया हम सबको। प्रिंसिपल का नाम क्या? मैं तहरा काजी। उन्होंने कैसे बचाया आपको? मैं हम भाग रहे थे तो उन्होंने कहा क्लासों में बैठ जाओ आराम से। हम सबको क्लासों में जब बैठे तो फिर बाहर सारी फायरिंग हो रही थी, तो बस मैं फौजी आए तो फिर उन लोगों ने हमें बाहर निकाला। उन्होंने बाहर निकाला है। बहुत सारी दुआएं आपकी शहीद प्रिंसिपल के लिए भी, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को बचाया। बहुत शुक्रिया। ऐसा कोई वाक्य ना हो, किसी माँ का बच्चा ना जाए, किसी का भी चले गए, उनकी माँ को उनके वालिदैन को सफर दे, क्योंकि हमें सफर नहीं आ रहा, उन्हें कैसे आएगा। के काम कर रहे थे तो अचानक फायरिंग हुई, तो कुछ बंदे उन्होंने कहे कि इधर टेबल के नीचे छुप जाओ, तो हम छुप गए। फिर थोड़ी देर बाद हम किसी दूसरे क्लास में गए, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पाक आर्मी आई, तो उन्होंने कहे कि इस कैंटीन के पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तो हम सारे निकल गए। ये लोग बहुत बुजदिल है, ये पीछे से हमला कर सकते हैं, ये आगे से किसी के नहीं आते। पाक आर्मी के सामने आई, ये तो बहुत बुजदिल है। सिक्योरिटी पे तवज्जो दे, क्योंकि हालात इसके इस तरह के हैं। बिल्कुल सही। और जो खास कर बिल्कुल जो बिल्कुल है ना, वो उसका है अफगान बॉर्डर, जो कि वो उसको सील करना चाहिए, जिस तरह दीवारी चीन बनी हुई है ना, तो इस तरफ सील करनी चाहिए और सारे एक्टिविटीज इनको छोड़ने चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी पे। यही जो बच्चे हैं, यही तो आगे मुस्तकबिल है इनका और ये हमारी। जब दहशतगर्द आए तो हमें बताया गया था कि क्लास में इस तरह लेट जाए, तो हम लेट गए। फिर इस तरह एक घंटे बाद जब वो फौजी आए ना, तो फिर उन लोगों ने इसके साथ हवाई फायरिंग के साथ उन लोगों को मार दिया, और फिर और हमारा रास्ता खाली कर लिया और हमें निकाला। अच्छा, पैगाम क्या दोगे, मैसेज क्या दोगे सब लोगों को? यही कि दहशतगर्दी के ये जो सब हालात है, इसे बंद करें, और जो जितने भी बच्चे मरे ना, इनको अल्लाह अपने अमान में। ये वो ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे भागा करते होंगे, जहाँ पे खुशियाँ होंगी, जहाँ पे रौनकें हुआ करेंगी हुआ करती होंगी। आज यहाँ पे चंद बच्चे जो कि हमें बता रहे हैं कि वो डरे हुए बिल्कुल नहीं हैं, खौफजदा बिल्कुल नहीं है, उनके हौसले, उनकी हिम्मत, और ना उन्हें किसी वालिद ने बताया है, हमने चलते चलते उन लोगों को पकड़ा है, रोका है, ना मुझे खौफ नज़र आया है उनकी आवाज़ में, अंदाज़ में, ना मुझे इस तरह की दहशत नज़र आई है जिस तरह की हम अपने घरों में महसूस कर रहे हैं। सो ये एक बड़ा हौसला अफजा पैगाम है कि दहशतगर्द भले कामयाब हो गए हैं बहुत सारे बच्चों को हमसे छीन लेने में, लेकिन वो अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो सके हैं कि वो हमें डरा दें और अपने इस बुजदिलाना कदम से हमें दहशत में मुबतला कर दें। ये बच्चे हमें मुसलसल हौसला देने और उम्मीद दे रहे हैं। मैं जब यहाँ आई थी बहुत डरी हुई थी, मुझे लग रहा था कि मैं जब यहाँ से बात करूँगी तो शायद जो थोड़ा बहुत हौसला महसूस करती हूँ वो टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों से बात करके यकीन करें मेरे आंसू खुश्क हो गए हैं और मुझे अपने अंदर एक हौसला महसूस हो रहा है उनकी आंखों में देखकर, जिन्होंने तमाम तकलीफ दे मनाजिर देखे, लेकिन इसके बावजूद उनका अज़्म और हौसला जो है वो अभी भी मजबूत है, अभी भी जवान है। सो अल्लाह इन बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, और हम कुछ और जो पेरेंट्स हैं उनसे आपको मिलवाते हैं।